नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फ्लोर डंपिंग कैसे की जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे गाड़ी में क्या परिवर्तन आता है। वीडियो में बने रहें और देखिए फ्लोर डंपिंग किस प्रकार से काम करती है और कैसे लगाई जा सकती है। मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं डोर डंपिंग और साउंड को इम्प्रूव करने के लिए, उनका लिंक भी मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो में बने रहे और आगे देखते हैं डोर डैम्पिंग कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, मेरी गाड़ी में कोई फ्लोर नहीं है क्योंकि बीच में बारिश हुई थी तो उस वजह से सारा फ्लोर भीग गया था। तो उसको सुखाने के बाद, धोने के बाद आज मैं उसको लगाने वाला हूँ फ्लोर को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोहा है, मेटल दिख रहा है। यहाँ पे मैं फ्लोर डैम्पिंग करने वाला हूँ। फ्लोर डैम्पिंग करने के लिए हमें जो सीट है, सारी सीट्स बाहर निकालनी होंगी। प्रोसीजर आप देखते रहिएगा। चार स्क्रू होते हैं सभी कार में, एक स्क्रू ये है, इसको खोलते हैं। उसके बाद एक एक करके चार स्क्रू खोलेंगे। डोर डैम्पिंग तो मैंने पहले की हुई है, वो वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप देखिएगा। उससे काफ़ी साउंड इम्प्रूव हो गया था। तो अब मैंने सोचा जब फ्लोर खुला ही हुआ है, फ्लोर मैट, तो यहाँ पे भी फ्लोर की डैम्पिंग की जाए। फ्लोर की डैम्पिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है, तो रोड नॉइज़ नहीं आती है इसमें, इंजन साउंड भी काफ़ी कम हो जाता है और जो हीट आती है इंजन की वो भी काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए आगे के दो स्क्रू खोल दिए मैंने, अब ये दो स्क्रू और बचे हैं, इनको भी खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सीट कैसे हटेगी। इसको भी खोलना है, एक उधर स्क्रू है, इन दोनों और दो आगे चार खोलने के बाद सीट लूज़ हो गई है। यहाँ पे अभी सीट को मैं बाहर निकाल देता हूँ एक साथ, ये इस तरह से सीट हम बाहर निकाल लेंगे। चारों स्क्रू ऐसे ही, ड्राइवर साइड की सीट ओपन होगी चार स्क्रू के साथ। तो एक एक करके हम सारे स्क्रूज को हटा देंगे और ये देखिए हमारी सीट बाहर आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब चारों सीट बाहर आ जाएंगी तो किस तरह से दिखाई देगा। ये ड्राइवर सीट भी हटाने के बाद वही सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से हटा दिया। देखिए यहाँ पे मेरा पूरा जो फ्लोर है एकदम, कोई सीट नहीं है, यहाँ पे डैम्पिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए डैम्पिंग करने से पहले, सबसे अच्छा रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डैम्पिंग कौन सी यूज़ करने वाले हैं हम। डैम्पिंग यहाँ पे मैं मैक्स लिंक यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी डैम्पिंग यूज़ कर सकते हैं। मेरे को मैक्स लिंक का जो थिकनेस थी फ्लोर डैम्पिंग के लिए ठीक लगी। एक पैकेट में 5 शीट आती हैं, तो 5 शीट काफ़ी हैं क्योंकि मेरी कार रिट्स है, स्विफ्ट वगैरह छोटी जो गाड़ी होती है उसमें 5 डैम्पिंग काफ़ी होती हैं। और हमें डैम्पिंग सिर्फ वहाँ वहाँ पर लगानी है जहाँ पर मेटल शीट काफ़ी वीक है। स्ट्रॉन्ग मेटल के ऊपर हमें लगाना नहीं है क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वहाँ पे हमें लगाना है। यहाँ देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे इसको, इसका पूरा साइज़ हमें पहले नापना होता है। ये पूरी एक शीट है, इसको हम नाप लेंगे। वहाँ से थोड़ा आगे जो कंपनी डैम्पिंग दी हुई है आगे इंजन हीट और नॉइस को रोकने के लिए, थोड़ा सा उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। इस एरिया को नापना है, यहाँ देखिए ये जितना साइज़ है उसको एक्स्ट्रा हमने काट लिया। अब ये बिल्कुल प्रॉपर फिट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर जुड़ा हुआ था इसको हटा दिया है। इसको हम साइड में लगाएंगे जाके जो इंजन की हीट है केबिन में ना आए। अब इसको लगाने का प्रोसीजर यही है, इसके पीछे स्टिकर की तरह एक लेयर होती है उसे उतारना है, और जो ब्लैक पार्ट है ये स्टिकी पार्ट होता है इसको यहाँ पे हमें चिपकाना है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा आधा पार्ट्स खोल के चिपकाया हुआ है, और इस तरह का कोई भी आप या तो स्क्रू ड्राइवर ले लें या भी पेपर कटर है उसके बैक पार्ट से भी आप इसको अच्छे से इसको आपको प्रेस करके रगड़ना है ताकि ये मेटल सरफेस पे अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बबल्स हैं वो बबल्स प्लेन हो जाने चाहिए। अब यहाँ देखिए जो आधा तो चिपका दिया, धीरे धीरे आधा आधा करके इसको और प्रॉपर वे में लगाएंगे। बहुत ही आसान होता है, आप घर पे खुद भी लगा सकते हैं। बाजार में लगवाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पर आप कोई भी, जैसे मैंने बताया था, स्क्रू ड्राइवर या फिर पेपर कटर के बैक पार्ट से आप इसको अच्छे से रब कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होता है क्योंकि कोई मेटल ऊपर नीचे रहता है,
तो उसकी शेप के हिसाब से आप जो थोड़ा बहुत काट के एडजस्ट करना है। मैं दिखाऊंगा आगे जब मैं दूसरी जगह पे इसको लगाने वाला हूँ, तो इसको प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से वो करना है आपको, इसको बढ़िया से जो बबल्स हैं ये अच्छे से लग जाएं और मेटल की शेप ले लें। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर नीचे जहाँ जहाँ पे मेटल है वहाँ पे अपनी शेप ले रहा है, तो इस तरह से ये लग चुका है। अब बारी आती है दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे हमने इसको रख के इसके हिसाब से हमें ऊपर नीचे जो शेप होती है बॉडी की उस हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा कट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हल्का हल्का सा मैंने कट कर लिया है, इसको अब लगाते हैं। यहाँ पे पूरा उतारना पड़ेगा इसको। ये इसके ऊपर शीट होती है एल्यूमिनियम की और बीच में होता है शॉक एब्जॉर्बर टाइप का मटेरियल जो वाइब्रेशन वगैरह को सबको रोक लेता है। ये जो हमने काटा था उसका ये फ़ायदा हुआ कि हम इसको शेप के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टिकर उतार दिया है, जो इसकी शेप है देखिए, हमने आधा ऊपर से साइड से काटा था जो, उसकी वजह से ये अपनी प्रॉपर एक शेप ले रहा है। तो आपको इसी तरह से शेप काट के और इसको प्रॉपर अच्छे से प्रेस करना होगा और रब करना होगा जिससे कि प्रॉपर चिपक जाए। इसके बाद जब आप फ्लोटिंग करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है साउंड में, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पे बहुत आसान है और आप घर पे कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी लोग हैं जो खुद ही करना चाहते हैं चीज़ों को, मैं तो खुद ही करने का शौकीन हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो देखते हैं कि मैं DIY करता हूँ, डू इट योरसेल्फ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए सारी कार को हमने नीचे से डैम्प कर लिया है। जो रियर सीट है उसका सिर्फ वही पार्ट हमने डैम्प किया है जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था उसको हमने डैम्प नहीं किया। बीच में आप देख रहे होंगे पिलर टाइप के, ये इनको डैम्प करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे कारपेट कैसे इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, सेम प्रोसेस है। आप इसको रिवर्स कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये मेरा पुराना कारपेट है, इसको मैं दोबारा से लगा रहा हूँ। साफ़ कर लिया था, गंदा हो गया था, धूप में सुखा लिया है, तो अभी इस तरह से प्रॉपर शेप में एडजस्ट कर लिया। आप देख पा रहे हैं बीच बीच में डैम्पिंग भी दिखाई दे रही है नीचे, इसके अच्छे से फिट हो जाएगा। और इस तरह से जो भी प्लास्टिक पार्ट्स आपने रिमूव किए हैं उनको वापस लगा दें तो ये आपका अच्छे से फ्लोरिंग हो जाएगी। मैं आपको लगाने के बाद दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पर एक सीट जैसे रिमूव की थी सेम वैसे ही ड्राइवर साइड की सीट लगा ली है, ऐसे ही सारी सीट्स लगा लेते हैं। उसके बाद आप लुक देखिएगा, ये देखिए कारपेट भी लगा लिया है, इसके ऊपर फुट मैट भी लगा लिया। अगर इसके बाद आप 7D मैट लगा लेते हैं तो और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। मैं आने वाले वीडियो में 7D मैट भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए ये कस्टम जो हैंड रेस्ट होते हैं काफ़ी सस्ते आते हैं, जिस कार में अवेलेबल नहीं होते आप ये लगा सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है लॉन्ग ड्राइव्स पे, छोटा मोटा आप इसमें सामान भी रख सकते हैं। और अगर इंटीरियर काम करा रहे हैं तो कस्टम इंटीरियर भी आप इसको इंटीरियर के हिसाब से करा सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा इंटीरियर कैसे किया है मैंने अपनी कार का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।